हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमेगा विद मिरेकल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार कंबाइंड एग्जामिनेशन यानी बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है BCECE इंट्रेंस एग्जाम जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाता है और इससे क्या करने के फायदे हैं। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको बिहार कंबाइंड इंट्रेंस एग्जाम 2020 का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। आप अगर मैट्रिक किए हैं, इंटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक जो है हर साल इसकी फॉर्म निकालता है। यह फॉर्म जो है हमेशा एग्जाम के बाद में निकलता है। जी हाँ, 10th एग्जाम इंटर के बाद ही निकलता है। इस एग्जाम से करने से ये फायदे हैं कि इसका नाम है बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि चूंकि एक पॉलिटेक्निक है, यह क्या है, पॉलिटेक्निक कही जाती है। पॉलिटेक्निक के मतलब होता है कि पॉलिटेक्निक, यानी इसमें अनेक प्रकार के तकनीक, अनेक प्रकार के इंजीनियरिंग, मतलब जो भी जिस कैटेगरी से आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसे माध्यम से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी इससे ये होता है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है कि अगर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप वेरीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद से आपको कौन से कोर्स चूज करना है, उस कोर्स को आपको मिलेगा और आपको एक अच्छे तरह से कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप 2 साल की तैयारी, अगर ISC किए हैं, इंटर किए हैं तो 2 साल की तैयारी करेंगे, अगर 10th किए हैं तो 3 साल या 4 साल की तैयारी करेंगे। उसके बाद से एक आपको डिग्री मिलेगा, जिस डिग्री को आप प्राप्त करेंगे, यानी जिस माने से आप प्राप्त किए हो, तो उसमें कौन कौन से डिग्री होते हैं उसके लिए मैं वीडियो पहले से तैयार कर रख दिया हूँ। अगर आप उसको नहीं पता है कि आप कौन सी डिग्री करेंगे और आपको डिग्री करने के लिए कौन से कोर्स बेहतर रहेंगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार रखा हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स होते हैं पॉलिटेक्निक में और पॉलिटेक्निक कोर्स के करने के क्या फ़ायदे हैं। ये रहा आपका पॉलिटेक्निक का टोटल क्लियर। तो देखिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है आपको निकल चुका है, डेट भी निकल चुका है, 2020 का इंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है, डेट भी निकल चुका है। यहाँ पर देखिए दिखाया है कि स्टार्टिंग डेट दो जी है 20 फरवरी 2020 और लास्ट डेट दिया है 18 मार्च 2020। लास्ट फी पेमेंट ऑनलाइन, यानी पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। लास्ट डेट फी पेमेंट ऑफलाइन 19 मार्च, क्या दिया है, 19 मार्च 2020। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि एडिटिंग मतलब होता है कि मान लीजिए कि फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो तो आपको एडिट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको डेट बनाया गया है, 21 मार्च से 24 मार्च के बीच आप सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है आपको 21 मार्च 2020 तक आ जाएगा और एग्ज़ाम का डेट जो है आपको 12 से 13 अप्रैल 2020 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि इसके अप्लीकेशन फ़ी क्या होंगे, यानी कि किस, जैसे जनरल है, OBC है, EBC है, उसके लिए आपको चार्ज लिखा हुआ है, 1100 रुपया आपको देने होंगे। और यहाँ पर SC ST और DQ के लिए दिया है 550 रुपया। पेमेंट विल बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, नेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI चलान, यानी कि पेमेंट जो है आप अपने कार्ड से, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग यानी कि किसी भी SBI चलान से या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम का लोकेशन जो है आपको बिहार में दिया जाएगा, यानी कि लोकेशन आपको बिहार में ही रहेगा, बिहार में जहाँ पे दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा पटना देता है। यहाँ पर दिया है एज लिमिट, एज लिमिट जो है यानी कि जो फॉर्म भरेंगे उनका एज लिमिट 31 दिसंबर 2020 तक। फॉर मेडिकल स्ट्रीम, यानी कि जो मेडिकल से करने चाहते हैं उसको 17 साल होना चाहिए और जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करना चाहते हैं उनको 16 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। यानी कि जो इंट्रेंस में जो मेडिकल स्ट्रीम्स रहेंगे उनको 17 साल है और जो एग्रीकल्चर से है वो 16 साल के हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कोर्स नेम बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2020 रेंट एटिक पावर, एग्जाम डिटेल्स फॉर BCECE इंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन 2020। यहाँ पर दिया है, हाँ डिटेल्स में दिया है कि एग्जाम डिटेल्स विल बी फॉर BCECE इंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन 2020। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फार्मासिटी फार्मेसी स्ट्रीम,
कैंडिडेट हु पास द ईयर 2010+2 इक्विवेलेंट पास यूपी कंपल्सरी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑप्शन सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स बायोलॉजी, यानी कि आप मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी से हो आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा। अब मेडिकल स्ट्रीम के लिए 10+2 है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको एग्ज़ाम देने होंगे। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में है कि ISc डिग्री यानी ISc होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर बिहार कम्बाइंड इंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन फॉर द कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइड बिलो, दे आर एल्सो अप्लाइड द ऑफिशियल साइट ऑफ द BCECE मार्क, यानी कि पूरा अपडेट आपको दे दिया है 18 मार्च 2020 तक। यहाँ पर आपको प्रूफ में क्या लगेगा, एक फोटोग्राफ लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा स्कैन किया हुआ। नोट में आप यहाँ पर देख लेंगे कि कैंडिडेट आर सजेस्ट टू प्रोवाइड दियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स वाइल फिलिंग अप टू ऑनलाइन अप्लीकेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन बिहार कम्बाइंड इंट्रेंस, यानी कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या होगा, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंट्रेंस टेस्ट, यानी इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद से जो आपके रिजल्ट आएगी उसके आधार पर आपको एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।